भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। 21 दिनों के बाद लॉकडाउन फिर से 19 दिनों के लिए बढ़ गया। उम्मीद यही है कि इन 19 दिनों में तेजी से फैलते कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगेंगे और हालात सुधरेंगे। हालांकि मंगलवार को जब पीएम लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर रहे थे, तब पूरे देश में आंकड़े भले ही डराने वाले रहे हों, लेकिन दिल्ली के आंकड़े बता रहे थे कि लॉकडाउन यहां के लिए फायदेमंद रहा है। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 1211 नए मामले सामने आए और 31 लोगों की मौत हो गई। वहीं दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सिर्फ 51 नए मामले सामने आए और 2 लोगों की मौत हुई, जबकि सोमवार को नए मामले थे 356, जबकि 4 लोगों के लिए कोरोना जानलेवा साबित हुआ था। हम जानते हैं कि पूरे दुनिया के अंदर कोरोना की वजह से कितना भारी संकट आया हुआ है। कई देशों में हजारों हजारों लोगों की जान चली गई है। हमारे देश में अभी ये धीरे धीरे फैलने लगा है। हमारे देश में अभी कोरोना चारों तरफ नहीं फैला है। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हमारे देश में समय रहते 24 मार्च को 21 दिन के लिए लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया। अगर अभी लॉकडाउन को ख़त्म कर दिया और सारी चीज़ें चालू कर दी तो पूरे देश में कोरोना फिर फैल जाएगा। अब अगर हम अगले कुछ दिनों तक अनुशासन नहीं रखेंगे, अगर हम अगले कुछ दिन अपने अपने घरों में नहीं रहेंगे, तो ये जो 21 दिन की हमारी तपस्या थी ये भी खराब हो जाएगी। कोरोना के खिलाफ शील्ड अभियान चला रही केजरीवाल सरकार की रणनीति ये है कि कोरोना का जो भी नया मामला सामने आए उसे अपने इलाके से बाहर न फैलने दिया जाए। इसीलिए दिल्ली में हॉटस्पॉट की लिस्ट में रोजाना फेरबदल किए जा रहे हैं। दिल्ली में सोमवार को कुल 47 हॉटस्पॉट थे। मंगलवार दोपहर तक हॉटस्पॉट की संख्या 51 कर दी गई और मंगलवार रात तक इसमें 4 का इजाफा करके कुल 55 इलाकों को हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया। वहीं दिल्ली से सटे नोएडा में भी कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट पर खास ध्यान दिया जा रहा है। 3 मई तक पूरी सोसाइटी सील कर दी गई है। कोई व्यक्ति अंदर बाहर नहीं जाएगा। मंगलवार रात ग्रेटर नोएडा की गौर सोसाइटी के 14th एवेन्यू में एक मरीज का पता चलने के बाद सोसाइटी को 3 मई तक के लिए सील कर दिया गया है। नोएडा की हॉटस्पॉट की लिस्ट से 9 इलाकों को हटाया गया है। लिस्ट में 4 नए इलाके शामिल किए गए हैं। इस तरह नोएडा में अब कुल 27 हॉटस्पॉट हैं। लॉकडाउन की मियाद बढ़ने के बाद दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर दोनों ओर की पुलिस की चौकसी और सख्त हो गई है। इस वक्त रात के 2 बजे हैं और हम दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर खड़े हैं और आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह लॉकडाउन बढ़ने के बाद जो पुलिस है वो सक्रिय हो गई है और लॉकडाउन कोई ना तोड़े इसका खास ख्याल रख रही है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से, ये देखिए बॉर्डर पर बाकायदा नोएडा पुलिस और दिल्ली पुलिस दोनों खड़ी हुई है और इसके बाद कोई भी अगर गाड़ी आती है तो उसके बाकायदा पेपर चेक किए जा रहे हैं और उसके बाद सही पाए जाने पर ही उनको आगे बढ़ने दिया जा रहा है। पूरा विश्व के साथ ही हिंदुस्तान कोरोना के महासंकट से जूझ रहा है। लॉकडाउन 3 मई तक जारी रहेगा ये तो तय हो चुका है, लेकिन इसमें क्या कुछ रियायतें मिल सकती हैं या फिर सख्ती और बढ़ेगी, इस पर आज विस्तार से केंद्र सरकार की गाइडलाइन जारी की जाएंगी। पूरे देश को इसी का इंतजार है। नोएडा से पुनीत शर्मा।